नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, इस खूबसूरत से फ्लावर को देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल गुलाब की तरह, बट दोस्तों यह कैमेलिया का खूबसूरत फ्लावर है। और कैमेलिया तो वैसे भी काफ़ी प्यारा लगता है, इसके ग्रीन ग्लॉसी लीफ काफ़ी प्यारे लगते हैं देखने में, लेकिन जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। कैमेलिया के फ्लावर्स भी गुलाब की तरह खिलने के बाद बहुत लंबे समय तक प्लांट पर फ्रेश बने रहते हैं। और कैमेलिया फ्लावर्स की केयर डिटेल जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कैमेलिया प्लांट के रिक्वायरमेंट्स और केयर के बारे में डिटेल में बताया है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, हम कभी कभी अपने कैमेलिया प्लांट की बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं, उसकी हर रिक्वायरमेंट पर ध्यान देते हैं, फिर भी हमारा प्लांट हेल्दी होते हुए भी फ्लावरिंग नहीं करता है, या फिर फ्लावर बड लगते हैं और बाद में सारे फ्लावर बड गिर जाते हैं, तो ऐसे में हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या फेस करनी पड़ रही है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। दरअसल दोस्तों, मैंने इस प्लांट से पहले भी एक बार इस प्लांट को ग्रो किया था, तो मेरा प्लांट बिल्कुल हेल्दी था, प्लांट पर किसी प्रकार के इंसेक्ट या डिसीज़ का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर बड भी लगे हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद फ्लावर बड एक एक करके गिर गए, उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई और एक एक करके सारे फ्लावर बड गिर गए, और बाद में मेरा प्लांट भी डेड हो गया। मैं अपने कैमेलिया प्लांट को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने इस चीज़ को बारीकी से समझा कि मुझसे क्या गलती हुई और मैं अपने प्लांट को बचाने के लिए क्या कर सकता था। तो दोस्तों, अगर आपके कैमेलिया प्लांट से थोड़े मोड़े फ्लावर बड गिर रहे हो तो यह नॉर्मल है, क्योंकि जब कभी कभी कैमेलिया अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फ्लावर बड प्रोड्यूस कर देता है तो बाद में उसमें से कुछ फ्लावर बड को ड्रॉप कर देता है, यह नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में फ्लावर बड गिर रहे हैं और फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही हो तो इसका मतलब है कि आपका प्लांट स्ट्रेस में है। वैसे भी इसके लीफ और इसके ब्रांच इतने हार्ड होते हैं कि प्लांट पर किसी तरह का स्ट्रेस जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसके फ्लावर बड गिर रहे हों तो इसका मतलब कि प्लांट किसी तरह के डिसीज का शिकार हो गया है या फिर प्लांट स्ट्रेस में है। इसके अन्य कारणों पर ध्यान दें तो हो सकता है कि विंटर सीजन में आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो और आपने अपना प्लांट आउटडोर ऐसी जगह पर रखा हो जहाँ ठंडी हवाएं सीधे प्लांट को लगती हों, तो ऐसे में फ्लावर बड मेचर होने से पहले गिरने लगते हैं, क्योंकि कैमेलिया के फ्लावर बड बहुत अधिक कोल्ड सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए अगर धूप नहीं निकल रही है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है तो ऐसे में आप अपने कैमेलिया प्लांट को कुछ बड़े प्लांट्स के बीच में रख दें जिससे प्लांट पर सीधी हवाएं ना लगें, या फिर किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे ठंडी हवाओं से बचाया जा सके। खास तौर पर विंटर सीजन खत्म होते होते अगर कभी अचानक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है या मौसम ख़राब हो जाता है तो ऐसे में कैमेलिया के फ्लावर बड बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। तो इसलिए आप मौसम को ध्यान में रखें, अगर मौसम कभी ख़राब हो जाता है तो आप एक दो दिन के लिए अपने कैमेलिया प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं, और जब मौसम सही हो जाए तो फिर इसे आप आउटडोर रख दें। इसके अलावा अनइवन वाटरिंग भी फ्लावर बड ड्रॉप होने का एक बड़ा कारण है। ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से भी फ्लावर बड खिलने से पहले गिर जाते हैं। अक्सर पॉटिंग मिक्स की टॉप लेयर जैसे ही थोड़ी सूखी दिखाई देती है तो तुरंत हम वाटरिंग कर देते हैं बिना ये चेक किए कि पॉटिंग मिक्स के अंदर नमी है या नहीं। ऐसे में पॉट में लंबे समय तक पानी रुका रहता है या फिर पॉट की मिट्टी गीली रहती है तो प्लांट में बहुत सारे फंगल डिसीज होने का खतरा रहता है, जिसका तुरंत कोई प्रभाव प्लांट पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब फ्लावर बड गिरने लगते हैं तब समझ में आता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, लेकिन तब तक फ्लावर बड की जो ग्रोथ है वह रुक चुकी होती है। और कभी कभी अधिक सावधानी या लापरवाही के चलते हम अधिक लंबे समय तक प्लांट में वाटरिंग नहीं करते तो भी जो फ्लावर बड हैं वह अंदर ही अंदर सूखने लगते हैं, और बाद में हम ध्यान देते हैं वाटरिंग करते हैं फिर भी एक बार अगर फ्लावर बड खिलने से पहले अंदर ही अंदर सूखने लगे तो उनका जो गिरना निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप वाटरिंग पर विशेष ध्यान दें। कैमेलिया की हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल में हल्का सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, कभी भी सॉइल जो पॉट की मिट्टी है पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए, इसीलिए आप वाटरिंग से पहले पॉट की मिट्टी को हाथ से टच करके देख लें, उसके बाद ही वाटरिंग करें। इसके अलावा प्लांट को रॉन्ग लोकेशन पर रखने से भी कैमेलिया के फ्लावर बड गिरना आम बात है। प्लांट को बिल्कुल शेड में रखने से कैमेलिया में फ्लावरिंग नहीं होती है। लंबे समय तक प्लांट को शेड में रखने से इसके जो बड हैं वह मैच्योर होने से पहले गिरने लगते हैं, और प्लांट को बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखने से भी प्लांट के जो फ्लावर बड हैं वह सूख जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने अपने प्लांट को बिल्कुल खुले में डायरेक्ट सनलाइट में रखा था। मेरे प्लांट में फ्लावर बड भी लगे थे लेकिन फ्लावर बड महीनों तक ओपन ही नहीं हुआ। वैसे कैमेलिया के फ्लावर बड बहुत धीरे धीरे ओपन होते हैं, इसीलिए मैंने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया इस बात पर, बट कुछ दिन बाद मेरा जो फ्लावर बड हुआ एक एक करके सभी गिर गए, और जब मैंने उनको खोल कर देखा तो वह अंदर से पूरी तरह से सूख चुके थे। तो इसलिए दोस्तों, आप कैमेलिया को ऐसी जहाँ पर रखें जहाँ इसे सुबह की दो घंटे की धूप मिल जाए करे ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी समय जो है वह प्लांट शेड में रहे, मतलब ब्राइट लाइट में रहे, या फिर सबसे अच्छा है कि आप इसे ऐसे लोकेशन पर रखें जहाँ इसे पूरे दिन फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे,
तो सबसे अच्छा रहेगा। मैंने सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए अपने प्लांट को यहाँ रखा है, नहीं तो जहाँ मैं इसे रखता हूँ तो इसके आसपास डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, लेकिन इस प्लांट पर सीधी सनलाइट नहीं पड़ती है, सिर्फ ब्राइट लाइट ही इस पर पड़ती है। कभी कभी कैमेलिया प्लांट पर स्पाइडर माइट्स और ग्रीन एफिड्स जैसे इंसेक्ट का प्रभाव हो जाता है, और ग्रीन एफिड्स का कलर कुछ ऐसा होता है कि जल्दी हमारा ध्यान भी नहीं जाता इन पर, क्योंकि इनका कलर काफ़ी हद तक प्लांट से मिलता जुलता है, और इन्हें समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और फ्लावर बड को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए समय समय पर आप अपने प्लांट को चेक करते रहें, और जैसे ही किसी पेस्ट का अटैक दिखाई पड़े तो आप नीम ऑयल स्प्रे या फिर लिक्विड डिशवॉश सोप का स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप सिर्फ वाटर स्प्रे करके भी इंसेक्ट को प्लांट से हटा सकते हैं और इनको अधिक बढ़ने से रोक सकते हैं। इन सब के अलावा कभी कभी प्लांट की एक्स्ट्रा केयर भी प्लांट के लिए नुकसानदायक हो जाती है। एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में कभी हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं या फिर कभी अधिक फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं, जो कि प्लांट के लिए फायदेमंद नहीं होता है। कैमेलिया प्लांट में हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, खास करके केमिकल फर्टिलाइजर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल प्लांट में न्यू ग्रोथ को इंक्रेज करता है और फ्लावरिंग प्रोसेस को डिले करता है, जिससे हमारे जो फ्लावर बड है वो ख़राब हो जाते हैं। मैंने अपने इस प्लांट को लगाते समय पॉटिंग में 25% के आसपास बर्मी कंपोस्ट मिक्स किया था, और 20 दिन के बाद मैंने फिर से इसमें बर्मी कंपोस्ट के साथ नीम के एक पाउडर और बोन मिल पाउडर को बराबर मात्रा में मिक्स करके करीब एक मुट्ठी के करीब दिया था। तो बर्मी कंपोस्ट के साथ बोन मिल मिक्स करने से एक बैलेंस फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है। बर्मी कंपोस्ट या फिर लीप कंपोस्ट में बोन मिल पाउडर मिक्स कर देने से यह फास्फोरस की कमी को पूरी कर देता है, और साथ ही प्लांट को फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है फास्फोरस। तो फ्लावरिंग पीरियड में आप अपने प्लांट में कोई भी हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप जब भी अपने प्लांट में बर्मी कंपोस्ट, लीप कंपोस्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें तो उसमें आप थोड़ा सा बोन मिल मिक्स करके तभी डालें, जिससे प्लांट को एक बैलेंस फर्टिलाइजर मिले। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखें और इस खूबसूरत से फ्लावर्स का आनंद लेने के लिए अपने प्लांट की प्रॉपर केयर करें। और कैमेलिया प्लांट की केयर और रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।